अभी बारी है टॉयलेट की, तो मैं वॉशरूम दिखाने से पहले आप लोगों को बता दूं, ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही है क्योंकि बाहर बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है और मुझे नहीं लग पाया कि राइट टाइम पे ट्रेन पहुंच पाएगी विजयवाड़ा पे या फिर विशाखापत्तनम पे, क्योंकि विशाखापत्तनम पे इस ट्रेन का लोकल रिवर्सल है। तो तब मैं कोशिश करूँगा उसे कवर करने के लिए और उसी टाइम पर एक ही साथ लोगों को दिखा दूंगा। और ट्रेन की जो एक्चुअल रफ्तार 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली थी अंदूल से खड़गपुर के बीच में, लेकिन ट्रेन 110 किलोमीटर के ऊपर से चल नहीं रहा है क्योंकि बाहर कोहरा सच में बहुत ज़्यादा है। मैं भी कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी इस रूट को कवर कर चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहो तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो फेमस ट्रेन है
हावड़ा या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में चलती है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके इस रूट को देख सकते हो, क्योंकि वो मैं दोपहर के वक्त था इसलिए कवर किया था और ये रात के वक्त है। तो आगे साउथ के जो सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके साथ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वॉशरूम दिखा दूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर है और टैप, उसमें वाटर, सच में सब कुछ ठीक ठाक सा है, नीट एंड क्लीन है। बस यहाँ पे जो हैंड वॉश होते हैं वो नहीं है, और ये यूरोपियन स्टाइल है। और जो सबसे फेमस चीज़ मग, जिसको चेन से अटकाया गया है और काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, इसी वजह से मैं कहूँगा डिसेंट टाइप का है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, जैसे पावर सॉकेट होती है जिसमें क्या होता है कि जो ट्रिमर वगैरह बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तो ठीक ठाक सा है। तो चलिए आगे, मैं अभी थोड़ा सा नींद लेता हूँ, कोशिश करूँगा चिल्का, जो चिल्का लेक है उसको मैं कवर करने के लिए, तो देखते हैं हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि सुबह के वक्त है, उस टाइम पे भी कोहरा हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं।
आज डे टू है, डे टू में ये हमारा पहला हॉल्ट है। एक्चुअली इससे पहले बहुत सारे हॉल्ट आए थे, मैं कवर नहीं किया था। ये विजयनगरम है, इसका स्टेशन कोड है VZM और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट है। और इसके बाद ट्रेन सच में बहुत लेट था, 1 घंटे से ऊपर लेट था और 5 मिनट का हॉल्ट भी नहीं दिया, बस 2 मिनट का हॉल्ट दिया। तो अभी ट्रेन दोबारा से छूटने वाले है, तो चलिए अभी डिपार्चर होने वाले है तो डिपार्चर को कैप्चर करते हैं। वैसे हाँ सिग्नल हो चुका है लेकिन बेसिकली हुआ क्या, अभी 2 मिनट का हॉल्ट देकर छूट गया क्योंकि ट्रेन बहुत लेट था, 1 घंटे से ऊपर लेट था। लेकिन कुछ जगह पे कोशिश किया कवर करने के लिए, कुछ दोबारा प्रॉब्लम हुआ इसी वजह से रोक दिया ट्रेन ने। फिर से सिग्नल की अभी कोशिश कर रहे। वैसे आप लोगों को बता दूं, ये इसके बाद जो यहाँ पे तो मतलब ट्रेन लेट होने की वजह से इतने जल्दी छूट गया, नहीं तो 5 मिनट का हॉल्ट था। इसके बाद है विशाखापत्तनम, वहाँ पे इसका रिवर्सल है, मैं वहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है। तो आगे सारे जो बातचीत है मैं वहीं पर करने वाला हूँ और ट्रेन की जो टिकट की प्राइस है और सारे चीज़ मैं वहीं पर आप लोगों के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और एक छोटा स्टोरी भी है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा कि इस जर्नी के दौरान मुझे एक्सपीरियंस हुआ इसी रूट पे साउथ में। और यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता भी है। तो चलिए आगे विशाखापत्तनम पे उतर के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम विशाखापत्तनम के बाहर आउटर पे खड़े हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता था। जैसे कि जब मैं आंध्र प्रदेश से गुजरा था तो उस टाइम पे सच में प्रकृति का इतना सुंदर सा नज़ारिया बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा कि पेड़ पौधों और हरी हरी सी मतलब बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन हाँ कश्मीर हिमाचल या फिर उत्तराखंड जैसे उतनी लंबी लंबी पहाड़ नहीं, लेकिन छोटे छोटे पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लग रहे थे। और अभी आउटर पे कितना वक्त और खड़ा रहने पड़ेगा मालूम नहीं है। सच बताऊँ तो ट्रेन काफ़ी अच्छे रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे जगह पे ट्रैक मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं। जो नए स्लीपर आगे अभी आए हैं तो उसको रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, जबकि पुराना जो स्लीपर है वो अभी तक नए मतलब पूरा अच्छी तरह से है, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, फिर भी उसको रिप्लेस किया जा रहा है।
इसी वजह से जो लोको पायलट है वो कमाल के मतलब एक घंटे को ऐसे ही भगता है, जब 32 मिनट का लेट ऐसे कर दिया था। तो बाद में क्या हुआ कि इस तरह का कुछ कुछ जगह पे स्पीड रेस्ट्रिक्शन था, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर्स, कुछ जगह पे काम हो गया इसी वजह से 80 किलोमीटर पर आवर्स, इसी वजह से 110 के रफ्तार से जाने जाने से कुछ कुछ जगह पे इस तरह का परेशानी हो रही थी। और कल रात को एक जगह पे मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से 75 की एक स्पीड मेंटेन करके चलाई गई थी, जिसकी वजह से एक घंटे की लेट हो गई है ट्रेन। वैसे ये जो ट्रैक मेंटेनेंस काम हो रही है होने दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये बात भी मानना पड़ेगा हम परेशानी झेल रहे, लेकिन इससे कुछ बेहतर अगर रिजल्ट निकल के आए तो ही बेहतर है। और अभी शायद हमारे हॉन्किंग तो हो गया है, सामने अगर आप लोगों को देख पा रहे हो वही लोगों आगे हमें रिवर्सल में लगेगा पीछे, और अभी हमें S1 पे और इसके पीछे 20 और कोच है, तो 20 कोच के बाद वो लोगों लगेगा, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा या फिर कवर नहीं करूँगा। और जब ये लोगों डिटैच होगा उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे शायद छात्रागाछी का Web 7 है, बहुत अच्छे है। और आगे विशाखापट्टनम पत्तनामा आने वाले हैं, तो वहाँ पे उतर के सब कुछ बाकी के सारे, क्योंकि बहुत सारे जगह पे स्पार्क हुआ था और जो ट्रेन की हालत है ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। लेकिन हाँ साफ सफाई बहुत अच्छे तरह से हुआ है, कुछ कुछ चीज़ जो मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद जो TT है या फिर TC, वो कल रात को तो ट्रेन छूटा था हावड़ा से, लेकिन आज सुबह 9 बजे आए थे, तो तब तक के लिए मतलब पैक्ड भी कहना सही नहीं होगा, वेल क्राउडेड, इतना भरा हुआ था कि जिसके सीट है किसी का वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कटपटी तक चलती है, क्या हुआ इसको, तो कटपटी जंक्शन तक जाने वाली है, तो सब वहीं पे जाएगा CMC वेलोर। तो इसी वजह से क्या है कि कुछ जगह पे इस तरह का परेशानी है, जो वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं फिर भी वो लोग चढ़ गए हैं ट्रेन पर। चलो कोई नहीं, बहुत परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ा, अगर इंडियन रेलवे इस तरह कुछ नज़र देंगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे विशाखापट्टनम आने वाले हैं, वैसे हम अभी उस तरफ के जो रूट है थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो Web 7 है ये आगे लगने वाले हैं हमारे पीछे, और हम इस तरफ बढ़ने वाले हैं आगे, अगर आप देख पा रहे हो ये जो ट्रैक आ रही है। ये जो ट्रैक देख रहे हो आप पहाड़े है, इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे घूमते हुए, और कितना अच्छा सा लग रहा है, बहुत सारे आगे आप लोगों को दुरंतों के कोच भी देखने को मिलेगा, मतलब पूरा मिक्सचर हुआ है। वैसे अभी एक्सप्रेस तो हो चुका है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे चेक करोगे तो अभी भी स्पेशल जो स्टेटस है अभी भी लगा हुआ है, और सामने से Web 4 से कोई आ रही है। वैसे मैं इस बार इतने ज़्यादा लोको पायलट भी कुछ कम नहीं है, उसने भी सुना दिया, Web 4 ने बहुत अच्छा हॉन्किंग किया था, लेकिन जो रिप्लाई आया था वो कुछ बेहतर हुआ, देखते हैं दोबारा होता है कि नहीं, क्योंकि Web 4 ने दोबारा हॉन्किंग किया है। कौन सी ट्रेन है, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा,
चुके हैं विशाखापट्टनम पे, VSKM इसका स्टेशन कोड है। और ये स्टेशन ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट रीजन के अंदर आते हैं और ये आंध्र प्रदेश का एक सिटी है। वैसे आप लोगों को बता दूं, ट्रेन बहुत अच्छी चली है और कुछ कुछ जगह पे जैसे कि मैंने कहा कि स्लीपर की काम चल रहे थे, उसी वजह से ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा सा लेट होना पड़े। अभी दोबारा से मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ जैसे कि मैंने नज़र किया कि जब ये ट्रेन आ रही थी उस टाइम पे कुछ कुछ जगह पे अभी यहाँ पे लोको रिवर्सल होने में थोड़ा सा वक्त है, वो भी दिखाऊंगा। और आप लोगों को बता दूं, ऐसी भी जगह नज़र आए जहाँ पे जो रेलवे के लैंड होते हैं तो वहाँ पे भी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसे भी देखने को मिला। मुझे लगता है कि रेलवे के वहाँ से कमीशन निकलना चाहिए, बहुत अच्छा लगा देखकर। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस ट्रेन का जो भाड़ा स्लीपर कोच है और थ्री टायर और एक टू टायर है और एक पेंट्री और दो जनरल डिब्बे के साथ दो जनरेटर कार है। और इसका जो किराया है ये 1740 रुपये है हावड़ा से यशवंतपुर के बीच में। और उसके बाद आगे है 1955 जो कि है थ्री टायर की और 2855 है टू टायर की किराया। ये ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है। वैसे आगे में रिवर्सल जो होगा वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड है BZ है और यहाँ पे ट्रेन एक घंटे लेट है जैसे पहले थे। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब भी ट्रेन दौड़ रहे थे 110 किलोमीटर की रफ्तार से, तो कुछ दूर जैसे कि मान लीजिए 10 मिनट चलने के बाद फिर से 20-30 की स्पीड रेस्ट्रिक्शन, और इसी स्पीड रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से मतलब ट्रेन अच्छी तरह से दौड़ भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे 5 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट है और अभी भी 1 घंटे डिले के साथ चल रही है। तो आगे चलिए, मैं जैसे इस बार एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि ट्रेन का भी अच्छे है, LHB कोच है, 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ इस बार क्योंकि ट्रेन के भीतर जैसे होता है स्लीपर में जैसे मैंने पहले कहा, और इस बार इतना सेल्स गर्ल मुझे देखने को मिला
कि जैसे फ्लाइट में होते हैं एयर होस्टेस कुछ ना कुछ सेल्स करते हैं, इस तरह से अभी ट्रेन के भीतर भी इस तरह कुछ देखने को मिल रहे थे। हाँ, देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो भीख मांग रहे थे, उनसे तो बेहतर है। तो मैं तो यही विश करता हूँ कि इन लोगों की ज़िंदगी अच्छी तरह से चले। और इससे आगे मैं कटपाड़ी जंक्शन को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे और कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। दिन के उजाले में होता तो कुछ होता। तो चलिए, अभी डिपार्चर के बाद मिलते हैं।